देखिए उन्होंने यही टाइम चुना था कि उधर शब्द समारोह चलेगा और इधर हम घटना करेंगे। इनका यही कहना और यही इनकी सोच थी, कायराना सोच थी कि हम वहाँ पर शब्द समारोह होगा और हम जहाँ पर अटैक करेंगे। तो लेकिन हम ये हमारी जनता, जैसे इन्होंने कहा शमशेर जी ने कि जनता के पास जैसे वेपन होता तो आज आधे पाकिस्तान को भून देते, ये हमारे बहुत दिलदार लोग हैं, ऐसे नहीं है। तो हम आगे के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ पर, उससे मांग करेंगे कि जितने भी खाली एरिए पड़े हैं वहाँ पर परमानेंट फोर्स लगाई जाए। दुर्भाग्य घटना है जी, जो निर्दोष लोगों को मारा गया है। आज 40 साल यात्रा जहाँ चलते हुआ है, आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ भी निडर होकर लोग आते थे, यात्रा करते थे, जाते थे। ये मैं तो कहूँगा कि थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन को, और इनको पता भी था, इन्होंने पहले कहा था कि हम कुछ करने वाले हैं। इन्होंने तो यहाँ शिवखोड़ी को तो संभाला है, मगर ये नहीं सोचा कि जंगल का एरिया, रास्ता कंडा में उन्होंने मौका पाके ये बहुत बड़ी दुर्घटना, इसका दुख है हमें ये। इसलिए आज रणसू के लोगों ने बाजार को बंद किया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और बड़ी दुख की आगे के लिए हम चाहते हैं जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर रियासी और हमारे डिवकॉम साहब जो चेयरमैन जी हैं, तो इनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए शिवखोड़ी के लिए। ये इतने लोग जो हमारी जम्मू सूबा खाली यात्रियों पर निर्भर है, माता वैष्णो कटरा और शिवखोड़ी में ये यात्रा ना हो तो हम लोग तो किसी चीज़ के भी नहीं है, यही यात्रा पर निर्भर है। अगर इधर इस चीज़ से कोई अगर फर्क बहुत पड़ने वाला है, मगर आगे के लिए इस चीज़ को संभालना जरूरी है।